सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। खास कार्यक्रम की भूमिका बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में एक फिल्म की संकल्पना हो, आप बनाना चाहें, जिसमें राजेश खन्ना हो, जिसमें सलमान खान हो और जिसमें नाना पाटेकर हो, तो फिल्म कैसे बनेगी, क्या बनेगी, क्या रूप लेगी? खैर, अब राजेश खन्ना साहब हमारे बीच नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जो कलाकारी राजेश खन्ना जी पेश करके गए हैं उसके पास पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ तीन ऐसे राजेश खन्ना, सलमान खान और नाना पाटेकर मौजूद हैं जो अपने इन अभिनेताओं को अपना आदर्श मानते हैं। उनकी एक तरह से हम सरल शब्दों में कहें तो बेशक नकल करते हैं, लेकिन उन्हें एक पूजते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी कलाकारी के, उनके अभिनय के तरीकों को जनता के बीच ले जाते हैं और उनकी वाहवाही बटोरते हैं। ये गरीबों के राजेश खन्ना है, सलमान खान है और नाना पाटेकर हैं। तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे साथ हैं तीर्थानंद राव जी, राजेश, ये नाना पाटेकर जी का रोल करते हैं, बावला साहब हमारे साथ, और राजेश कजानिया जी हैं जो खुद राजेश नाम भी है और राजेश खन्ना भी करते हैं। मान लीजिए आपका स्वागत तो कर दिया, लेकिन बावला भाई, सलमान भाई, अगर मैं आपका स्वागत न करता तो आप क्या कहते? स्वागत तो करना ही है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बात हुई, ये देखिए, ये एक स्पॉन्टेनियस पाबला भाई, हम इन्हें इनके नाम से, ओरिजिनल नाम से बुलाने के बजाय हम इनको, जो आप मशहूर हैं जिस नाम से आप लोग, नाना भाई पहले तो आपका शुक्रिया आपने, देखिए सभी दर्शकों का तीर्थानंद राव कॉमेडियन नाना पाटेकर हार्दिक स्वागत करता है। मेरा नमस्कार हो चुका है, अब आपका तालियों का चमत्कार भी होना जरूरी है। क्या बोलते हो, बुरा लगा तो फिर पूरा ले लो। आप पहले तो, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, आप लोग जब अपने साथियों के साथ इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं, पेश करते हैं, जहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उन अदाकारों को, जिनको आप लोग, जिनकी वजह से आप लोगों की एक पहचान बनी है, उनकी अदाकारी पेश करें, उनके अंदाज में बात करें उनसे, तो आप कैसा फील करते हैं? क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, लेकिन आप में भी लोग उनकी झलक पाते हैं तो जिम्मेदारी भी बढ़ती होगी, है ना? सर क्या है, नाना पाटेकर एक बोले ना, मैं नाना का तो परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी नाना समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी हैसियत उनके जूते के नीचे जो मिट्टी है वो समझता हूँ। वो तो भगवान हैं जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, वो परफॉर्म कर रहा हो, लोगों का प्यार है और उस वजह से आज मेरे चौथा पासपोर्ट चल रहा है, दुनिया इतना देश विदेश घूम के आया हूँ, और मुझे बड़ा गर्व है कि नाना जी भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं, उनकी पूरी फैमिली मुझे प्यार करती है, और उनके मोबाइल में आज, जैसे कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। राजेश भाई सबसे खामोश आप हैं, जबकि ना, जब राजेश खन्ना बोलते थे तो एक दौर था राजेश काका का, तो आप कम बोल रहे हैं, तो थोड़ा बोलिए, राजेश खन्ना जी के अंदाज में बोलिए। बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जा पना ना तो आप बदल सकते हो नाम में। जय साहेब, अरे किसी को अगर पेट देता है तो उसे भूख मत दे, अगर उसे भूख देता है तो उसे दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे कोई हक नहीं है रे। पुष्पा,
आई हेट यू, इन आंसू को पहुंच दो, ये बहुत कीमती है रे। बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप क्या जानो, मुझे समझते हो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े प्यार को रखूंगा कहाँ, मेरा दिल, मेरी जान, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, कल का प्यार, कल का प्यार बचा के रखो, मेरे आने वाले कल के लिए, कल, कल जो वीरान है, कल जो अंजाम है, कल जो सुनसान है। इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं। आप बहुत कुछ है राजेश भाई, आपने महफिल एक समा बना दिया है, समा बना दिया माशाल्लाह। फिर सलमान भाई, जब आप फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में, आप सलमान खान आज के दौर का वो सितारा जो चाहे विवादों में हो, चाहे अपनी पॉजिटिविटी की वजह से हो, चर्चा में है, सुपरस्टार है, सुपर डुपर स्टार है, ज़मीन से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं हम तो कभी सिर्फ इंटरव्यूज़ वगैरह में हम मिले हैं उनसे, लेकिन उतना ताल्लुकात नहीं रहे हैं। आप चूँकि उनके बॉडी डबल भी वगैरह भी किया है आपने, उनका लाइक करते हैं, काफ़ी किया है, तो कैसा उनका क्या व्यवहार है आपको लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, आप जैसे कलाकारों को लेकर जो संघर्ष करते हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अब जैसा कि राव साहब ने कहा कि भाई वो नाना है नहीं, पर नाना को पेश करते हैं, नाना बनना बहुत दूर की बात है, सलमान बनना बहुत दूर की बात है, राजेश खन्ना जैसा पहला सुपरस्टार बनना बहुत दूर की बात है, लेकिन आप लोग पेश करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सलमान का क्या रोल होता है आप लोगों से जब मिलते हैं, या आप लोगों के प्रति उनका कैसा है, या आपको खास करके जब आपसे मिले हो? तो सलमान भाई के साथ में जो काम करने का जो मज़ा है वो बाकी आर्टिस्ट लोग में नहीं, उनका जो रुतबा है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है सर। और जो बातचीत करते हैं वो एकदम मिठास आती है उनकी ज़बान से, और बहुत हेल्पफुल इंसान है वो। लॉकडाउन में काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोग को उन्होंने हेल्प किया, मुझे भी हेल्प किया। लॉकडाउन में उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा। लॉकडाउन में कम से कम 3 बार उन्होंने हेल्प किया पूरे इंडस्ट्री को। एक तरफ से वो खुदाई हो गए, समझे बात को, और मेरे ख्याल से उनके साथ जो हेल्प किए उन्होंने कोई नहीं किया, बाकी जो आर्टिस्ट लोग हैं, बाकी जो हीरो, लेकिन सलमान भाई सलमान भाई है और उनको कोई वेट नहीं कर पाएगा, ये मेरा बोलना है। क्या बात है नाना, बोलिए सर। ये आप लोग जिस तरह का संघर्ष करते हैं, आपकी एक विशेषता रही है कि आप साथियों को जोड़ कर चलते हैं, एक टीम बना कर चलते हैं, कभी उम्मीद नहीं कि फलां आर्टिस्ट के साथ कभी मैच करे, लेकिन अब नाना पाटेकर और राजेश खन्ना, सलमान खान और राजेश खन्ना, नाना पाटेकर और सलमान खान आप जोड़ते हैं, तो इस जोड़ने में कितनी ऊर्जा खत्म होती है, और कैसे आपको समझ में आता है कि इस कलाकार के साथ में अब टूर पे जाना चाहिए, इस कलाकार के साथ शो करना चाहिए, इस कलाकार के साथ अपने को आगे बढ़ना चाहिए? सर मैं एक्चुअली शुरुआत से बोलना चाहूँगा कि मैं एक विरार का रहने वाला हूँ, और मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलीव करता हूँ। मैंने बचपना मैंने बहुत बुरा देखा हुआ है, लेकिन जब मैंने एक्टिंग एज ए एक्टर एक्टिंग शुरू की तो मैं इंडस्ट्री में आया, तो इंडस्ट्री में मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन उस टाइम पे 2 ऐसे एक्टर है, एक का नाम है हेमंत सोनी और एक का नाम है रवि वर्मा, इन दोनों ने मुझे इतना उस टाइम पे काम दिया, और उनके वजह से मैं इंडस्ट्री में एक्टर बना। और उसी एक्टिंग के दौरान एक जगह नाना पाटेकर के लिए ऑडिशन चल रहा था, आज से 17-18 साल पहले की बात, तो वहाँ पर बहुत सारे नाना पाटेकर आए हुए थे, और मेरी शुरुआत भी नहीं थी क्योंकि मैंने सिर्फ दाढ़ी बढ़ाया था, मुझे पता भी नहीं था कि नाना जी की एक्टिंग कैसे होती जी होती, लेकिन मैंने उन लोगों को उस टाइम पे ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मैं किसी को भी पिकअप कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे मैंने उनको पिकअप किया और मैंने भी अपना ऑडिशन दिया, और वहाँ से मेरे लाइफ की शुरुआत हो गई। और वो जब मुझे तब ये पता चला कि हमें आगे पहुँचाने वाले कोई और लोग हैं, तो हम क्यों नहीं, जो हमसे हमारे साथ हमारे भाई है, तो अगर मुझे नाना में कोई बुला रहा है तो मैं चाहता हूँ कि भाई वह सलमान भाई भी पहुँचे, वह राजेश खन्ना भी पहुँचे, वह अमिताभ भी पहुँचे। तो मेरा हमेशा एक है कि एक से कुछ नहीं होता,
इकट्ठा बनो और समाज में बोला ना एक अपना आदर्श पैदा करो कि सामूहिक मिलकर कीजिए। जैसे कि मैं हूँ तो मैं स्टार क्यों बनूँ भाई, मेरे भाई लोगों को भी स्टार बनना जरूरी है, तो मैं ऐसे बोलता ना एक साथ रहना पसंद करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है आपकी। नाना बैठे हो वो दुरूद शरीफ न बोले, वो खून से खून मिलने वाला डायलॉग न बोले तो शो अधूरा लगेगा नहीं? यस सर वो कैसे, कैसे जो आप बोल रहे हो सर, वो फिल्म का नाम है क्रांतिवीर, तो मैं डायलॉग पेश करता हूँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? हाँ, जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ की कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने देख इस्माइल, इन मासूम के दिल में बचपन से ही दुश्मनी का बीज बो रहा है। हाँ, असलियत जानना चाहता ना, इधर आ, ये कौन है? कल्याण जी भाई, ये हिंदू थे ना, इनको काय को नहीं मारा? हाँ, ये कौन है? गंगा भाभी, तेरे बच्चे को कौन पाल रही है? गंगा भाभी, ये हिंदू थे ना, इनको काय को नहीं काटा, इनको काय को नहीं मारा? असलियत जानना चाहता ना, इधर इधर, ये ले, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का, बता इसमें हिंदू का खून कौन सा और मुसलमान का कौन सा? साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता साला फर्क करने वाला? हाँ, ये कलम वाली भाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा, किसने किसको जलाया? कल तक हम लोग एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, अपने टकले पे गणपति लेके काई को जाता था पानी में, गणपति बापा मोरिया काई को नाचता था, अल्लाहुम्म सल्ली अला अला सय्यिदना मौलाना वबारिक वसल्लम, ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चल गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारों को दफनाना चाहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक्चुअली ये डायलॉग नहीं है, ये एक संदेश है, और नाना के जुबान में आना और नाना का उसको पेश करना, ये अपने आप में एक नया अंदाज़ है। आज की तारीख में जब नफ़रतें इस कदर बढ़ गई हैं कि भाई भाई का दुश्मन हुआ हो, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, जात पात को लेकर जितनी दुर्भावनाएं, जितना भेद हो रहा है समाज में, फैल रहा है, फैलाने की कोशिश हो रही है, आप कलाकार इसको दूर कर सकते हैं, आप कलाकार लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री इससे थोड़ी सी अछूती थी, लेकिन उसमें भी वायरस घुस रहा है, उस वायरस को दूर करने में आप लोगों का बड़ा योगदान हो। मैं आप लोगों से उस तरह की कोई डायलॉग नहीं बुलवाऊंगा जिससे आप लोग किसी कंट्रोवर्सी में आए, लेकिन चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी जो समाज में चाहिए वो कलाकारों के ज़रिए। सबसे पहले आपको याद होगा, आप लोग कलाकार बुलाए जाते थे, जब आपके पाकिस्तान के साथ जंग हो, चाइना के साथ जंग हो, हमारे फौजियों भाइयों के सम्मान के लिए, उनके मनोरंजन के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग बुलाए जाते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, आप जैसे लोगों को बुलाया जाता है कि आए, एकता बढ़ाएं, और आज इंडस्ट्री थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो नाना ने तो बहुत सारे इस तरह के डायलॉग दिए, कुछ और भी पेश कीजिए। कौन सा सुनना? जैसे तिरंगा, यशवंत वगैरह के जो डायलॉग्स हैं। बहुत हमदर्दी हो गई मंत्री साहब, भाषण बंद कर दीजिए। आप ही के डिपार्टमेंट के कुछ लोग जब जमीन और घर खाली खनवाने आएंगे ना, तब मैं आपसे पूछूंगा आपकी हमदर्दी के बारे में। कुछ चंद सीखे मिलेंगे भाभी जी को भविष्य के लिए, यह की जांच करेगी दिल्ली, यह अंधी और बहरी दिल्ली, ये यू पटर पटर करती रहती है, ये करना है वो करना है, दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लब चुना है दिल्ली, इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चिर के रखता। मराठा हो, मराठा मरता नहीं, मारता है। ये 2500 की नौकरी लेने वाला तेरे को एक दिन 150 का कपन पहनाएगा। वो अंडू पंडू वाला भी बोलने लगे आप। अंडू पंडू समझाए क्या? अरे एक्साइटेड मतलब क्या? कहाँ बैठा हूं, किसके साथ बैठा हूं? सैयद साहब के साथ बैठा हूं। कंट्रोल उधर, कंट्रोल 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 कंट्रोल। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलमान भाई, भावना भाई, कुछ सलमान खान के हो जाए। जिस दिन ये सरदार की हटेगी सबकी फटेगी, तो पंचलाइन सलमान भाई की तो खैर हो। तो सलमान भाई एक-एक पंचलाइन, एक-एक लाइन में उड़ा देते। सर भी ऐसी करते हैं, सलमान भाई भी ऐसी करते हैं। वन टेक ओके, नो रिटेक। या कोई अपनी पसंद का, अपनी पसंद से जो आपको पसंद आए। हम तुम्हें इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और समझ गए? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे। ये आप दिल्ली से हैं? जी हाँ। लेकिन मुंबई में पले बढ़े सारा कुछ, दिल्ली मुंबई के कनेक्शन को कैसे देखते हैं? बेसिकली हमको इतना तो बचपन से ही, हम लोग बॉम्बे में रहे हैं, और बॉम्बे में रह के ही 10 साल 15 साल के बाद में ही जाना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ और है और बॉम्बे का माहौल कुछ और है। और आज मैं यहाँ जो भी हूँ,
वो हमारे नाना भाई की बदौलत हो, क्योंकि इन्होंने बहुत काम दिए मुझे इंडस्ट्री में। राजेश खन्ना बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है और काफ़ी शोज किए हैं, गुवाहाटी, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, काफ़ी टूर किए, काफ़ी शो दिलाए हैं और तब जाके इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा हूँ कि लोग कहते हैं बाबू मिश्रा है, अरे वो राजेश खन्ना जा रहा है। राजेश खन्ना जी का एक बहुत बड़ा प्यारा सा डायलॉग बोलूँगा, उनके पड़ोसी थे रामू काका, उनको गलत फहमी हो जाती कि उनके कुत्ते को काका साहब ने डंडा मारा है। काका जी बड़े प्यार से बड़े मुस्कुरा कर देखे कैसे कहते हैं, सबसे पहले काका काहे राजेश हुआ, काहे हमारे कुत्ते को डंडा मारा। काका बड़े प्यार से बड़े मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, रामू काका, अरे हे रामू काका, अरे किस कम वक्त ने कह दिया कि हमने आपके कुत्ते को डंडा मारा, अरे हमने आज तक अपनी बीबी डिंपल को चांटा तक नहीं मारा, तो कुत्ते को डंडा क्या खाक मारेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये इस तरह के जो डायलॉग डिलीवरीज है, इसके लिए आप लोगों को कितना कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? प्रैक्टिस ही तो आपको परफेक्ट बनाती है। सर प्रैक्टिस नहीं है, क्या है कि हमारे ना ब्लड में वो चीज़ आ चुकी है, अब मुझे कोई भी डायलॉग दे दो मैं वो नाना के अंदाज में बोल दूंगा। अब कभी मैंने 8 भाषा में काम किया हुआ और मैं उसकी एक एक झलक नहीं। हाँ, बेशक बेशक, पेश कीजिए। देता है खटमल पूरी रात को अपाइज कर देता है, क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को जीड़ा बना देता है, ऊंची दुकान, फीका पिकदान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, देखो इसीलिए बड़ी मछली छोटी को खा रही है, हमारे चुने हुए कुत्ते हमें ही काटे, हमारी बोटियां आपस में बांटे, मानुष गन्नते बड़े आबाद से काटे, कल पैदा हुआ बच्चे एक सांस लेते हुए आते, शैतानों की नाजायज औलादे तहलका मचा रही और हम भगवान के चहेते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे, क्या करे साला एक मच्छर को जिदा बना देता है, एक लड़की लड़के को पागल बना देती है, मत जाओ उनके पास, मत बनो उनके दास, क्योंकि कर देती है अपने को उदास, लंबे बाल गोरे गाल, बस्ती में एक ऐसी चमाल, फिर भी उसके पीछे हजारों लाल, एक छोकरी छोकरा ना पागल करी नाखे जे, पहले हसे जे पची टाइम आपे जे, जे टाइम आपे जे ते टाइम पे आवती नथी, शू करू, एक छोकरी छोकरा ना पागल करी नाखे जे, नाने निन्ना प्रीतिस्तिनी लक्ष्मी, ऐसे इस टाइप के मैंने बहुत सर डायलॉग्स बोले हुए हैं। और मैं दर्शकों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा धमता, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा धमता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चिपक गई क्योंकि मेरे पास फेविकोल गम था, दो बूंद जिंदगी के पीने का और पिलाने का। अच्छा, फिल्मों वगैरह में भी आप लोगों को ये इससे हटकर भी रोल्स वगैरह मिलते हैं या ऑफर होते हैं आप लोगों को? राजेश भाई, मिलता तो है लेकिन इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए जी आज के लिए। अभी थोड़ा सा अभी लॉकडाउन के अच्छा एक लोग आईएस जौहर साहब थे, वो फिल्में बड़े इस तरह की फायर राइफल फायर राइफल्स थी और कई फिल्में उन्होंने इस तरह की बनाई। राजेश खन्ना नसबंदी, वो एक्टर्स को ढूंढ ढूंढ के ले आते थे तो अलग अलग वो जमाने में हीरो का रोल आपको दिया जाता था। आज की डेट में आपको बताता हूँ, कहीं भी आपको बुलाते हैं तो आपको वो हीरो के अपोजिट आपको उस कैरेक्टर का मजाक उड़ाने बोलते हैं। आज जैसे कि अभी आपको बताता हूँ, मैंने एक अभी वेब सीरीज की नेटफ्लिक्स के लिए, तो उसमें मुझे बोला कि आप नाना का बोला ना फुल नाना की बोलता ना मजाक उड़ाओ, तो सर मैं जिंदगी में नाना जी के नाम से बोला ना आज इतना पॉपुलर हूँ, तो मैं जो मेरे गुरु जो मेरे भगवान है मैं उनके नाम का गलत क्यों उनका डायलॉग बोलूंगा, तो सर मैं ऐसे काम को ठुकराता हूँ लेकिन मैं कभी बोलता ना नाना जी के अगेंस्ट एक भी गलत शब्द बोल नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये एक समर्पण है अपने गुरु, एक आप वो आपके लिए द्रोण है, गुरु द्रोण है और आप उनके एकलव्य हैं, तो आपको तो उनको सम्मान देना ही है। और ऐसे बहुत कम शिष्य मिलते हैं जो किसी को देख देख कर बन जाए। अभी सर मेरी एक सीरियल चल रही थी 2017 से, मैंने 2019 में सीरियल छोड़ दी, तो बाबा रामदेव आस्था चैनल पर सीरियल आ रही थी, सीरियल का नाम है इंडिया फर्स्ट, अभी भी शुरू है, मैंने शो छोड़ा हुआ है, मुझे अभी भी दिवाली में उन्होंने कॉल किया था कि आप आइए, तो मैंने बोला सर बोला ना आप मुझे 1,00,000 रुपये पर डे दो तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। तो उस सीरियल का एक डायलॉग आप लोगों को पेश करना चाहूँगा,
कि जब से तेरी मांग भरा हूँ, जब से तेरी मांग भरा हूँ, तेरी मांगे पूरी करते करते अब मैं खुद मांग मांग के खा रहा हूँ, मांग मांग के खा रहा हूँ। मोना, कहीं जाके मत खोना, क्योंकि तेरे को रात को आके मेरे बगल में ही है सोना। कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? अरे बुड्ढे तो इश्क करते हैं, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करते। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। क्या बात है, क्या बात है राजेश भाई। चलते चलते आप लोग बहुत सारी बातें, देखिए आप लोगों से इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा कोई मकसद इस तरह का नहीं है कि कोई उस किसी कमज़ोर पहलू पर हम आप लोगों से बात करें। उजला पक्ष हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे सलमान भाई ने बताया, बाबलू भाई ने सलमान भाई के बारे में कि भाई सलमान खान ने इस तरह से मदद की, नाना पाटेकर के बारे में, आप राजेश खन्ना के बारे में एक सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसी पॉजिटिविटी बातें ही हमारा मकसद है। हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार कहते हैं, कोई राजनीतिक फंक्शन भी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक सकारात्मक संदेश जाए। इंडस्ट्री को लेकर अगर पॉजिटिव आप लोगों को बोलना हो, समाज को कुछ कहना हो, चलते चलते आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? राजेश भाई कुछ कह रहे थे जी। काफ़ी खुशी की बात है कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलता है, और हम कलाकारों की जो आवाज़ वगैरह है, जो उनकी जनी रही है, उनके सफ़र रहा है उनका, और उनको लोगों तक आप पहुंचाते हो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पर, हाँ जी ज़रूर ज़रूर, ये हकदार है उस चीज़ का जिन्होंने काफ़ी कलाकारों को उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचाया। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी लोगों को नाना भाई ने प्लेटफॉर्म दिलाया है। एक एक्शन सलमान उनका काका का कोई फिल्मी गुनगुनाते हुए जरा आप करके दिखाया ना, क्योंकि डायलॉग्स तो हुए, एक कुछ एक्शन जरा बैठे बैठे ही बढ़िया सा। काफ़ी है काका के एक्शन वगैरह, हाँ वो तो जी, जैसे ये मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। वाह, कोई और? बहुत से है जिस जो आपको पसंद हो। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। कुछ मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि सैयद साहब ने हमको बुलाया यहाँ पे, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, और किडी साहब उनके ज़रिए मैं आया हूँ यहाँ पे, और चैनल के थ्रू लोगों को पता चलता है कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। जी देखिए, जब तक आपका संघर्ष नहीं पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपी करें, नकल करें या डुप्लीकेट के नाम से जाने जाए, अगर उनमें प्रतिभा है तो वो आगे आएँ। आप लोगों को देखकर कम से कम उनमें जज्बा तो आएगा। विरार का छोरा सिर्फ गोविंदा नहीं है, तीर्थानंद भी है, तो विरार के छोरे ने अपने आप को साबित किया है ना, कोशिश तो कर रहा है। ठीक है नाना नहीं बन सकता, लेकिन नाना के आसपास पहुँचा, नाना का प्यार मिल जाना अगर उनके लिए काफ़ी है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वही चीज़ आपके साथ, आपने सलमान भाई का आपने बताया कि सलमान खान आपको प्यार करते हैं, आप जैसे लोगों से प्यार करते हैं, तो आप लोगों की ये भी बहुत बड़ी कमाई है। तो जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, जो भी अभिनेता हैं, वो आप लोगों को देख के कम से कम प्रोत्साहित हों, शर्माएं नहीं, खुलकर आएँ। ठीक है उनकी ये प्रतिभा है तो उसे भी पेश करें। बहुत सारे आप स्टैंड अप कॉमेडियन कितने हैं, लोगों की आवाज़ से पेश करके वो बहुत आगे तक चले जाते हैं। बिल्कुल कलाकारी भी अगर आपको आती है, किसी कलाकार से आपकी एक समानता दिखाई देती है, तो शर्माएं नहीं, आगे आए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को माध्यम से एक नई पीढ़ी भी तैयार हो और आप लोगों से संपर्क करें, और नाना तो सबको साथ लेकर एक अलग दुनिया ही बना रहे हैं। एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं विरार से हूँ, और विरार में ना लोगों का मजाक बहुत उड़ाया जाता था, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, तो मेरे पापा हमेशा मुझे एक लाइन बोलते थे जो मैं आज बोलना चाहूँगा, कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए तो लोग है ना, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना, सपने देखना है तो ऊँचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना, तू अपने जुनून की चिंगारी को भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना।
बहुत अच्छे। देखिए, एक शो में आप लोगों की प्रतिभा को समेटा नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि फिर आप लोगों से बीच बीच में किसी विषय पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलते चलते आप लोगों तीनों से चाहेंगे कि आप तीनों एक बार, ये जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं, आज भी कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है लोगों ने, तो आप लोग दर्शकों से निवेदन कर दें कि भाई फर्स्ट लिए तो सेकंड ले, और जिन्होंने मारे डर के नहीं लिए वो कम से कम कोरोना वैक्सीन तो लें और इस मुंबई शहर को स्वस्थ और आगे बढ़ने वाला बनाएं। बिल्कुल, आप हमारे भारत देश के सभी दर्शकों को से निवेदन है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो जाके वैक्सीन ले। नाना के अंदाज में बताइए ना। देखिए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनको जाके वैक्सीन लेना है, नहीं तो जानते हो नाना दरवाजे में आ जाएगा, और फिर बोलना मत नाना को ना सुनने की आदत नहीं है। बबला भाई, देखो भाई लोग, वैक्सीन तो आज के दौर में ज़रूरी है। कोई लोग एक ही वैक्सीन लिए फिर बोलेंगे, बोल रहे हैं क्या, चलो हम बाद में लेंगे, और फिर ट्रेन के वो सब मसले चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग वैक्सीन लें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू। हिंदुस्तान की जनता को साथ साथ प्रणाम, और मैं हिंदुस्तान की जनता को ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने एक ली है तो उसे दूसरा भी लेना ज़रूरी है, वरना आप जानते हो कि कोरोना फैल रहा है। तो सभी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीन लीजिए और सुरक्षित रहिए, और घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। यही मेरा कहना है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन बोलना चाहूंगा कि कैसे बताओ कि मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, बाहों में तुम हो, हर बात में तुम हो, दिन रात में, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में तुम, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। जाओ कहीं, कैसे बताओ कि मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ कि मेरे लिए तुम कौन हो। क्या बात है आप लोगों का। देखिए, आप लोग आए, आप लोग शो में हिस्सा लिया, तीर्थानंद राव जी, बबला भाई, राजेश भाई, राजेश खन्ना, सलमान खान, नाना पाटेकर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से जितना हो सका आप लोगों ने किया, समाज के लिए आप लोग बेहतरी करें, आगे बढ़ें, जितना बढ़ेंगे समाज का भला होगा, आपका अपना भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। हम फिर आपसे संपर्क करेंगे और दोबारा हम लोग को बढ़िया सा शो किया जाएगा। ये थे संघर्ष करने वाले, आपका मनोरंजन करने वाले, भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग रहने वाले तीन कलाकार, तीन साथी, तीन हमारे दोस्त, जो आप तक आ रहे थे अपनी बातें लेकर। आपको इनका कार्यक्रम कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी, इनसे कुछ कहना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें, कोई टिप्पणी करना चाहें, तो बेशक हमारे चैनल के जरिए कर सकते हैं। आपको इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स को दर्ज करना होगा। इनके साथ हम फिर, एक मित्रता का सिलसिला है, आगे भी बढ़ता रहेगा, बीच बीच में ये लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, और आपके मनोरंजन के लिए हम इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, हमारे तीनों मेहमानों को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को, और इनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने वाले साथियों को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।